गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और आपका जो व्लॉगर है वो अब तक नहीं उठा है। बाकी सारे लड़के उठ गए हैं, काफ़ी हम लेट हो रहे थे, उसको उठाया भी है पर वो नहीं उठ रहा। तो अब हम उसको जाके उसके साथ एक काम करते हैं। चलो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला यार, अब्दुल्ला इतना टाइम हो गया, उठ जा अब्दुल्ला, यार ना उठा 7 बज गए हैं। उठा छोड़ने दे, सर्दी बहुत है यार। ना कर यार, डॉक्टर ठंडे डॉक्टर हाथ ना लगा लगाओ ठंडे हाथ, इसको ना लगा ठंडे हाथ, ना लगा ना लगा यार, अब्दुल्ला बहुत टाइम हो गया। यार चुप गया ना बात। वेलकम बैक गाइस, आज हमारा तीसरे दिन है कश्मीर टूर का। और सुबह हमने 5 बजे उठना था लेकिन लेट अबे हो गए इंट्रो हो गया तेरा, हैं। इंट्रो दे दिया मैंने तेरा। अच्छा, अगर अच्छा होगा लगा दूंगा, नहीं तो फिर ही मैं खुद ही दे देता हूँ। हमने 7 बजे उठना था, सॉरी 5 बजे उठना था, 7 बजे हम लेट हो गए और अभी हम फ़ौरन तैयार हुए। हमने जाना है बाग, बाग से आगे पता नहीं किधर जाना है, आई डोंट नो। लेकिन अभी नाश्ता करना है, अभी उसके बाद क्या कहते हैं हमने निकलना है क्योंकि लेट बहुत हो गए और बाकी वॉइस पीछे आ रहे हैं। तो गाइस, नाश्ता हमने कर लिया लेकिन नाश्ते के बाद हमें दो न्यूज़ मिली, एक फ़नी और दूसरी सैड। तो खैर, तो पहली आपको मैं सैड सुना देता हूँ, बाकी पहले मैं आपको सैड न्यूज़ सुना देता हूँ ताकि बाद में फ़नी सुन के आप थोड़ा हंस भी सको। लेकिन पहली न्यूज़ ये है कि हमारा गंगा चोटी का प्लान हुआ कैंसिल। मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं तुम कर लो, तुम कर लो। ओके। और सैड न्यूज़ ये है कि हमारा गंगा चोटी का प्लान हो गया है कैंसिल। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत लो हो चुका है, जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे। और अभी हमने दूसरा प्लान ये बनाया है कि रेहान का कज़न आएगा तो उसके साथ हम फिर यहाँ घूमेंगे, जो भी जगह रहेगी उसको एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, फ़नी वाली न्यूज़ ये है कि रेहान की कुछ बातें उसकी दादी से हमें पता चली हैं, तो वो मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ सुन लो। इसकी हरकतें इसकी दादी ने हमें बताई हैं, तो वो सुन लो, सिर्फ दिखा नहीं सकता, सुन लो। ठीक है, हाँ ये भी है। बस हमने कहा चल रेहान यहीं के रहने वाले, उसको सब पता होगा, तो हमने कहा चलो। नहीं नहीं, रेहान को कुछ नहीं पता, रेहान की पैदाइश लाहौर की है। अच्छा, और हाँ एक और चीज के रेहान के कजन ने घर बनाया है, बहुत प्यारा है यार, मिट्टी का बना है, कमाल, दिखाता हूँ मैं। सो गाइस, अभी रेहान का कजन आ चुका है, तौसीफ भाई जो हमारे साथ कल थे। अभी हम जाने वाले हैं किधर, किधर जाने वाले? कस में जाएंगे, कस में जाएंगे और वहाँ से फिर बीच पगला जाएंगे और वहाँ से फिर आगे मलोट जाना है, और मलोट से फिर वापसी होगी शाम को, फिर वापसी होगी शाम इंशाल्लाह। और बाकी बॉयज ही आ रहे हैं। ये किधर गए? एनर्जी सबकी ख़त्म है? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ, आगे देखो क्या बनता है। कल हम कल अगर पिछले व्लॉग में आपने देखो तो हम कल उस वाली साइड पे जा रहे थे, आज इस वाली साइड पे जा रहे हैं। और अगर आपको ये नज़र आ रहे हैं तो सेब लगे हुए यहाँ पे, लेकिन बेमौसम है ना ये, एंड है, ये इनका एंड है, बल्कि हाँ इनका एंड हो गया है। ये हजरात फोटोग्राफी के लिए निकले और कैमरे के चार्जर ही नहीं लेके आए। हमने लाना था। हाँ आपने ही लाना था, आपने ही लाना था, आपने ही लाना था, तो जाओ लेके आओ, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। क्यों तौसीफ भाई, जी, हम तो नहीं जाने वाले ना। कैमरा मैं ले आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी कैमरा लाने की। जाओ जाओ जल्दी जाओ, ये जो है अपनी वीडियो बना लो, अपनी वीडियो बना लो, तुम बैटरी का चार्जर और अपने मोबाइल चार्जर, वो दोनों बेचारे देख रहे किन के साथ आ गया हूँ मैं, किन के साथ आ गया हूँ। ये बंदा अपने मोबाइल का तो चार्जर ले आया है, भाई मैं कैमरे का लाया और ना हमारे मोबाइल, मैं क्यों लाऊं भाई, मैं क्यों लाऊं।
चीजें चीजें ले ली हैं यार, बैग तुम फाड़ ना देना बस। ये कश्मीर के घर इस लकड़ी के बनते हैं, इसका क्या राज है और क्या क्या यूज होता है इसमें? ये नया घर बन रहा है तो बुनियादी तौर पर कश्मीर में जो अक्सर मकान बनते हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं। अच्छा, लकड़ी से। और जो बेसमेंट होती है वो तो सीमेंट की होती है, ऊपर टोटली लकड़ी यूज होती है। देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बच गया। पानी अंदर ही तो गया, मस्ता ही है। पानी अंदर चला गया है, मेरा पैर स्लिप हो गया था, शिट। हाँ, और ये चश्मे का ये सीन है, बाल बचा हूँ मैं, ये चश्मे में गिर गया था मैं, लेकिन क्या कहते हैं, बच गया हूँ। चश्मे से पानी पी लिया, बड़ा ठंडा पानी था, और ये सीन चेक करें, बॉयज खड़े और बहुत कमाल की सीन है। आप पिक्स वगैरह लेंगे तो सिनेमैटिक शॉट भी बनाते हैं। गाइस, फोटो शूट हो गया सबका, और वहाँ पे दो तीन बंदे जो खड़े ना, वो कह रहे हमारा भी शूट कर दे, क्लिक कर दे। तो रेहान शूट करने गया है, मैंने सोचा मैं आपको इस चश्मे की खूबसूरती दिखाऊं, और अगर आप उसकी आवाज़ आ रही हो पानी की, देखो ज़रा। ये पॉइंट यहीं तक था, हम नीचे से आए थे, ये बहुत ही गंदा रास्ता है, और आगे उससे भी गंदा रास्ता है। तो हमने यहाँ पिक्स वगैरह लिए हैं, स्लोमो वगैरह बनाए यहाँ पे चश्मे का। दरअसल हम चश्मा देखने आए थे, और अब जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे, तो सड़क पे जाके मिलता हूँ। बहुत गंदा रास्ता है तो एहतियात से चलना ज़रूरी है। फाइनली हम तौसीफ भाई के साथ सड़क पर आ चुके हैं, बाकी वो पता नहीं, वो दूर है, कैमरे के साथ लगे हुए पिक्स खींच रहे हैं। तो हम अभी अपनी अगली मंजिल किधर जा रहे हैं? 20 बगला बगला जा रहे हैं। हम अपने दूसरे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ का सीन देखो, भट्टी और गनियाबाद के दरमियान जो दूसरा नाला है उस जगह पे हम पहुंचे। और अपने कहाँ जाना है? यहाँ से हमने जाना है ऊपर सीधा 20 बगले जाना है, यहाँ काफी चढ़ाई है। हाँ। और तकरीबन आधे पौने घंटे का सफर है, जाना है इस साइड से, इधर से। चलो शुरू करो, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे, बल्कि रास्ते में मुलाकात होती रहेगी। पहली बात यह है किधर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कल वाले में सीढ़ियाँ नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही पहला स्टॉप कर लिया रेहान ने चढ़ते साथ ही। नहीं, मैंने नहीं किया, सारों ने किया। असल में बात ये यार, ये ना हम चढ़े हैं सीढ़ियों से, और कल हम इतना चले हैं कि ना हम थक गए थे बिल्कुल। पिंडलियां है ना, ये खत्म हो चुकी हैं, तो अब सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसी खलियां पड़ रही है ना कि मजा आ रहा है। और दूसरा हमारा मोती भाई, वो किधर चला गया है? वो देख ही नहीं रहा, भागी जा रहा है। हम तो इधर ना आयो ना, हम तो कभी ना कहा लू हीन, तो बड़ा खपना पाऊगो हम बे। यहाँ का सीन देखो, क्या बूम सीन है, और वो पहाड़ है, और एक ये पहाड़ है, चढ़ना है बहुत नीचे से आए, वहां से उससे भी नीचे, पता नहीं किधर से सांस चढ़ा हुआ है। एक दो तीन रोड से, और चौथा थोड़ा सा ऊपर है, अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, चाहो तो इसका व्लॉग भी देख सकते हो, अच्छा होता है। असल में लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी।
कश्मीर के पहाड़ों में अजान गूंजती हुई सुनाई दे रही है चारों तरफ से। वहाँ से भी आवाज़, यहाँ से भी आवाज़ और यहाँ से भी आवाज़ अजान की। सुभान अल्लाह। तो गाइस अभी हम पहुंच गए फाइनल इस कवर के साथ पिक ओ माय गॉड गाइस फाइनली हम किधर पहुंचे? 20 बगला हम पहुंच चुके हैं और होटल भी जाना है। समोसे को बड़े हुए करने वॉक कर रहे हैं। भूख बहुत लगी। 12 बज गए, सॉरी 1 बज गए, 2 बाजार पीछे है। यहां पे हम फोटो शूट के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और अभी वापस पीछे जाएंगे, वहां से कुछ पकौड़े वगैरह जो भी हम खाएंगे। ये हमारे तौसीफ भाई और ये बाकी है, दोनों थक गए हैं। खाने का खाना खाएंगे, फिर एनर्जी आएगी, फिर कुछ करेंगे। सिंपल। होटल खुल गया है और हम यहाँ पे कुछ लेने आए हैं, कुछ मिल जाए खाने पीने का माहौल हो। भूख बहुत लगी है। एक समोसा लिया है ट्राई करने के लिए कि किस तरह है, तो ट्राई करके चेक करते हैं। अगर मज़े का है तो ले लेंगे, नहीं तो पकौड़े लेके निकल लेंगे। ले लिए पकौड़े शकोड़े और समोसे। तो अभी हम ये छोटे से होटल में समोसे वगैरह ले लिए हमने। अभी यहाँ से एक बोतल लेनी है, कोई भी मिल जाए मिल जाए, वरना हजम कहाँ होता है। ड्यू कर दें फिर। सो गाइस समोसे और पकौड़े लेने के बाद अगर आपने बोतल नहीं पी तो क्या किया? कोक बहुत ढूंढी, कोक नहीं मिली, क्योंकि कोक तो जान है अपनी, वो नहीं मिली। तो हमने कहा चलो यही सही। बाकी ये दोनों बॉयज़ भी छा रहे हैं, वो पकौड़े ही दिखा रहे भाई अपने व्यूवर्स को। रेहान के व्लॉग भी बड़े अच्छे होते हैं, याद रखना, जाके सब्सक्राइब कर देना। और बाकी तौसीफ भाई आप बताएं, इनका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और उसका भी भाई वो भी है, और ये कोक सॉरी मरिंडा। और भाई ये दोनों बैठ बैठ के कसम से बुत बन गए इनको। हम यहाँ ये सड़क के किनारे बहुत कमाल का व्यू आ रहा है और हम जा रहे हैं यहाँ से, आगे जाना है हमने। कोई अच्छी जगह देख के वहाँ बैठ के पकौड़े और समोसे खाएंगे। तो वैसे अब यहाँ पे थोड़ा सड़क का किनारा है, लेकिन यहाँ बैठ गए हम सब। पकौड़े मतलब जो भी लिया था हमने, पकौड़े समोसे बोतल शोतल वो खाएंगे। बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। देखो ज़रा गाइस टाइम लैप्स लगाए थे जो कि नहीं हुए, सिर्फ 6 सेकंड के हुए। बाकी रेहान ने लगाया, उसने देखा ही नहीं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन वो जब गिरा मोबाइल तो आई थिंक वो बंद हो गया। तो हम एक पहाड़ के टॉप पे थे, वहाँ से हमने पिक्स वगैरह भी ली और यहाँ पे अच्छी खासी आवाज़ चल रही है। इसके बाल उड़ रहे हैं, दिखा बाल। कह रहे स्लोमो ले, मैं कहा हर जगह स्लोमो नहीं लेना, अभी आगे जाके इन्जॉय करेंगे, वहाँ जाके लेंगे स्लोमो। और गाड़ी आ रही है साइड पे, साइड पे हूँ। और यहाँ का सीन देखो, हज़ारों फिट नीचे खाई है और आपका भाई इधर है अगर नज़र आ रहा हो खाई। और वो सामने गांव भी है यहाँ पे, अभी टॉप पे हैं, ठंडी बड़ी हवाएं चल रही हैं और फिट सीन है। ये कैसा एक्शन किया मैंने, अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो। गाइस पिक्स वगैरह ले ली इस हसी मंजर के सामने और बहुत अच्छी अच्छी पिक्स आई हैं। और बाकी ये लगे हमें, हमने इसे भी आगे जाना है, इसे भी आगे अच्छे अच्छे हंसी हंसी मनाजिर देखने को मिलेंगे। और ये उतरी फटाफट। खैर ये सी देखो, बस बहुत मज़ा आया, आ रहा है मज़ा, आएगा मज़ा। आप भी जाओ एंजॉय करो, लाइफ है, एंजॉय। घंटा हो गया रेहान की पिकनिक खत्म हो रही, कभी कह रहे ब्लर आ रही, कभी कह रहे पूरा बैकग्राउंड नहीं आ रहा, कभी कह रहे कट हो रही है। अच्छी ले लो, मैं बस करूं। मैं तेरी दो से ही नहीं लिए बता। अस्तगफिरुल्लाह, कितना शुक्र इंसान है अस्तगफिरुल्लाह। और बस मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ ये सीन, बाकी लगे रहने दो इनको। और मैं यूं करके बैठा हूँ, मतलब यूं करके ये आगे लेने खाने में
ये मिले, लेकिन तौसीफ भाई के नसीब में कुछ नहीं था, इन्होंने खा लिया, इन्होंने भी तीन तीन खाए, इन्होंने भी तीन तीन खाए, मैंने सिर्फ चार खाए, सॉरी चार खाए। अच्छा सो गाइस, बिस्किट रेहान एंड हिदायत एंड उमामा शूट हो गया, जा रहे हैं अब नीचे। दुआ करो कोई गाड़ी मिल जाए, वरना तो घर तक पैर टूट जाएंगे अपने, क्योंकि कल भी इतना चले, आज भी बहुत हो गया। दुआ करो कि बस गाड़ी मिल जाए, और कल भी चलना है, जब कल जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलो घर जाके बताऊंगा वो कल का क्या सीन है, लेकिन अभी सही सलामत घर पहुंच जाए, अल्लाह करे। 2000 years later गोद में बैठा हुआ है क्या? तो सी भाई भी बिल्कुल चुप है, खैरियत है? है यार, मजा अच्छा यार, पूरी गाड़ी स्लिप हो रही है। हां उतरो। हाँ तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे और उतरने वाले हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं घर, ये शुक्र है कि गाड़ी मिल गई थी स्टॉप के बाद, नहीं तो बेड़े घर को जाने थे कल की तरह। सो फाइनली हम अपनी जगह पहुँच चुके हैं, तो बताओ आज का एक्सपीरियंस कैसे रहा सबका? आज बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन आज थकावट नहीं हुई क्योंकि आज हम सीधे रास्ते गए। कल तो हम चढ़ाई पे थे, चढ़ाई और उतराई बस, उसकी वजह से कल पाँव के फुल वाट लगी, जैसे लगने का हक होता है, लेकिन आज चले अच्छा हुआ। और कोई यूनिक चीज हुई आज? हाँ क्या, कल से ज्यादा चश्मे देखे, चश्मों का पानी पिया। हाँ, चल, हाँ, सच आज है। हम असल में कल हम थे जंगल की साइड पे, आज हम थे थोड़ा गांव की साइड पे जहाँ पे लोग पब्लिक रहती है यहाँ की आवाम, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल थी। थोड़ा आज उस तरह का व्लॉग नहीं बन सका क्योंकि यहाँ पे लोग जब कैमरा ऑन होता है लोग बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं है, यहाँ का वो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि एक तो गांव है, ऊपर से यहाँ पे कोई इतना टच वच मोबाइल और कैमरे शैमरे भी नहीं होते, 33 तक रखे हैं। तो हम तो कैमरे लेके ट्राइपॉड लेके घुस जाते हैं, वो अगले सोचे पता नहीं हथियार लेके आ गए, तो इस वजह से भी आएगा पता नहीं क्या क्या है ये। तो इस वजह से हमने थोड़ी इसमें व्लॉग में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें नहीं ले ऐड कर सके, लेकिन खैर उम्मीद है कि अच्छा बना होगा। अब बस खाने की तरफ चलते हैं, घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। हाँ उसके बाद जो चीज़ें लाए हैं अपने साथ, नीमको शिमको पापड़ सापड़ वो खाएंगे, आगे हो आगे हो, और उसके बाद फिर शाम को खाना, फिर बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं। वैसे भी खाना खाने जा रहे हैं, ये वाइस और ये खड़े हो चुके हैं, आते हुए हड्डियाँ टूट रही थी और अभी और टूट रही हैं क्योंकि जिस्म फुल ठंडा हो गया। अब दुआ करो खैर खैरियत से सुबह हो जाए, और सुबह का प्लान भी सुबह का सुबह देखेंगे। सो गाइस डे 3 हमारा एंड हो गया फाइनली, और बाकी दिनों की तरह आज भी बैटरी लो है सबकी, और आज बहुत इंजॉय किया, थके भी लेकिन मज़ा भी आया। डे 3 करते हैं यहाँ पे ख़त्म, कल का व्लॉग कल देखेंगे, उम्मीद है कि पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस अंडे वाले को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, रेहान अंडे वाला, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।